हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। आज हम जो क्राफ्ट करने वाले हैं वो कार्डबोर्ड पर करने वाले हैं। तो ये मैंने लिया है कार्डबोर्ड, ये 14 इंच का है और इसके ऊपर जो हम पेस्ट लगाने वाले हैं वो हम वॉल पुट्टी से आज ये क्राफ्ट करने वाले हैं। वॉल पुट्टी और पानी को मिक्स करके ये हम घोल तैयार करेंगे पतला सा, जिससे कि हम ब्रश से पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर लगा सकें। अब यही पूरा प्रोसेस अगर आप कार्डबोर्ड पर नहीं बनाना चाहते, आप अच्छे से क्राफ्ट करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह कैनवास का यूज़ कर सकते हैं। आप एमडीएफ बोर्ड यूज़ मत कीजिएगा। जब आप वॉल पुट्टी से काम करते हैं तो वो आपका कार्डबोर्ड पर अच्छे से पेस्ट नहीं होगा जितना कि आपका कैनवास के ऊपर अच्छे से पेस्ट हो जाएगा और लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। तो यहाँ पर हम पेस्ट तैयार करेंगे नाइफ से काम करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा थिक पेस्ट तैयार किया है, उससे हम टेक्सचर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कई तरह के टेक्सचर तैयार होने वाले हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक ही पेस्ट अलग अलग थिकनेस में मिलेगा। पहले हमने पतला बनाया, उसके बाद थोड़ा सा हमने थिक किया ताकि हम उसको नाइफ से अच्छे से खींच सके। तो पूरे इसके जो पंख बनाने वाले हैं, तो ये पूरा टेक्सचर देखिए बहुत ही इजी से, जो सबसे छोटे वाला नाइफ टेक्सचर में सबसे छोटा वाला नाइफ होता है उससे हम ये काम कर रहे हैं। तो इसी में ये भी नहीं कि आप दूसरी लेयर लगाएंगे तो ये काम सूखना ज़रूरी है। आप फर्स्ट लेयर कंप्लीट करती है, आप सेकंड लेयर अपने स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप लेयर लगा रहे हो तो उस टाइम ध्यान रखो कि थोड़ा सा वहाँ पर पानी डालते रहो, ब्रश से हल्का सा गीला कर लो, तो उससे हमारा जो पेस्ट है वो निकलेगा नहीं, अच्छे से वहीं पर सेट हो जाएगा। तो छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेस्ट ऐसे लगाते जा रहे हो और सूखा है तो वो बाद में निकल जाए, तो वो गलती नहीं करनी है। पहले उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट करना है। अभी हमने नाइफ से काम किया, लेकिन देखिए ये चाट वाली जो स्टिक होती है, वेस्ट होती है, आप इससे भी टेक्सचर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें इसके जो पंख हैं थोड़े चौड़ा अभी बनाना है, तो उसकी चौड़ाई के लिए आप टूल्स की जगह आप इस तरह की स्टिक को भी पीछे से सीधा कट कर लोगे कैंची के साथ और उससे टेक्सचर लगा सकते हो। और ये टूल्स के बैक साइड से भी ये काम किया जा सकता है। आपके पास किचन का स्पून हो आप उससे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से करने के। तो ये पूरा टेक्सचर हम ऐसे ही तैयार करेंगे। हमने फिर से वॉल पुट्टी ले लिया है और पानी के साथ इस बार थिक डो बनाएंगे। जैसे कि क्ले का थिकनेस होता है उस तरह की हमें चाहिए, तो क्ले की तरह इसका हमने हाथ में लेकर डो तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है क्योंकि अब ये हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए। तो ये हो गया है पेस्ट तैयार। अब इस पेस्ट को हम यहाँ पर देखिए हाथों में मल लिया, पानी मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे जो यहाँ पर पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ किया है। और अच्छे से क्ले को यहाँ पर सेट करने के बाद देखिए जिगजैग का मैंने टूल लिया है, तो इससे क्ले को स्लांट कर देंगे ताकि वो जो थोड़ा ऊपर नीचे है क्ले वो अच्छी तरह से अपनी जगह पर सेट हो जाए, कहीं से ऊंचा नीचा ना रहे। और एक आपको बिल्कुल प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर लाइनें होती हैं,
तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा उसको फिनिश ना दें। और ये इसकी आइज़ हम जो पैन का बैक साइड होता है उससे मैंने बना दिया है। अब मैंने यही पेस्ट थोड़ा सा पतला करके कोन में फिल कर लिया है ताकि कोन से मैं अच्छे से छोटे छोटे ड्रॉप्स यहाँ पर लगा सकूँ। तो ये ड्रॉप्स का डिज़ाइन यहाँ पर पूरे साइड में कर देना है। पूरा पीस सूख कर तैयार है। तो अब यहाँ पर डार्क येलो कलर मैंने यूज़ किया है, पानी यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर आपको वार्निश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बेस कलर लगा दिया है डार्क येलो कलर। ये मैं शाम के टाइम जो मौसम होता है जब सूरज छिपने वाला होता है तो थोड़ा उस तरह का सीन यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने येलो के साथ ऑरेंज और थोड़ा सा रेड का टच दिया है और यहाँ पर हल्की हल्की से यहाँ पर मिक्सिंग कर देंगे। पानी मैंने आपको बताया है बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। व्हाइट कलर में थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर को मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं लेना है, समझिए वन ड्रॉप लेना है या फिर हल्का सा डिप ब्रश को साइड से कर लो और वही कलर मिक्स करके पूरे पीस के ऊपर जो हमारा हंस वाला जो पार्ट है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसमें कुछ मिक्स नहीं करना, सिर्फ वाइट और ब्लू कलर है कि एकदम ये वाइट नहीं होगा क्योंकि शाम के टाइम हमें चीज़ें थोड़ी सी डार्क दिखाई देती हैं। तो वही कॉम्बिनेशन लेके आप उसको बिल्कुल वाइट ना बना के ब्लू के साथ टचअप दें। और ये वाइट लिया है मैंने कलर स्पॉन्ज के साथ, इसको टैप टैप करके इसको थोड़ा सा हाईलाइट हम यहाँ पर कर देंगे ताकि जो वाइट है उसका भी टेक्सचर अलग से निकल कर आए और जो हमने डार्क किया है वो भी अलग से दिखाई दे। साइड के पूरे बॉर्डर पर ब्लैक कलर को अप्लाई कर देंगे और जो ड्रॉप्स हैं उसके ऊपर भी हमने पूरा ब्लैक कलर लेना है। सो गाइज ये हमारा हो गया है खूबसूरत सा पीस तैयार। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। आप इसको कैनवास पर बना सकते हैं, पेस्ट हमारा इसी तरीके का रहेगा। अगर आपको ये कलर कॉम्बिनेशन पसंद ना आया हो तो आप इसकी जगह ये कलर को स्किप करके अपनी पसंद के भी कलर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये हैंग करने के लिए यहाँ पर एमसिल से हम इसको
पेस्ट कर देंगे, सेंटर पे पूरा लगा देना है और आधे घंटे तक इसको छोड़ देंगे तो ये सूखकर एकदम तैयार हो जाएगा। आप इसे फिर किसी भी वॉल पर हैंग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वर्क पसंद आया होगा, कलर कॉम्बिनेशन भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे वीडियोस और आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि बेल का बटन आप लोग दबा कर रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो चैनल पर आ चुका है। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे क्राफ्ट के साथ। आप लोगों को भी इंतज़ार रहेगा और मुझे भी इंतज़ार रहेगा आपके कॉमेंट्स का। आप इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।